अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं ग्रिल्ड चिकन विथ वेजीज। अच्छा, आप इसे डाइट के टाइम पे भी खा सकते हैं, डेफिनेटली एकदम हाई वाली डाइट का तुम आपका प्लान के हिसाब से आप देख लीजिएगा, बट नॉर्मल अगर डाइट है तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं, क्योंकि एक है जैसे वेजिटेबल से आपको फाइबर मिलेगा और चिकन से आपको प्रोटीन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, यहाँ पर ना मैंने चिकन बोनलेस ली है 250 ग्राम। वैसे ये ब्रेस्ट पोर्शन नहीं है, थाई पोर्शन है, क्योंकि यूजुअली मैं यही यूज़ करती हूँ। लेकिन आप अगर डाइट पे हैं तो आप वो वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो फैटनेस होती है ना, चर्बी का मादा, उसमें थोड़ा कम रहता है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। चलिए, मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन बोनलेस ली है, चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धो के पैट ड्राई कर लिया, और अभी ये जो कांटे की मदद से ना, इस तरीके से पूरी चिकन के ऊपर प्रिक कर लीजिए, ऐसे पलट कर भी चिकन को कांटे से प्रिक कीजिएगा, हाँ। चलिए, अब एक बाउल में डाल दीजिए ये चिकन को, उसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही, अब डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपका स्पाइसी है तो कम डालिएगा, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 2-3 टेबलस्पून जितना तेल, अब आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर 15-20 मिनट के लिए ढक कर आप चाहें तो फ्रिज में रख दें या फिर बाहर ही रहने दें मैरिनेट करने के लिए। अच्छा, जब तक ये मैरिनेट हो रहे हैं, हम बाकी की सब्जियां सारी काट लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्रोकली ली है, ये धोकर रखी हुई है, जो फ्लोरेट्स होते हैं ना, वही लिए हैं मैंने। यहाँ पर 3 टाइप की शिमला मिर्च मैंने आधी आधी ली है, क्योंकि बड़ी है आपकी छोटी हो तो एक पूरी लीजिएगा, 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और 1 मीडियम साइज़ का गाजर। ये सारी चीज़ों को मैं ना इसे क्यूब शेप, यानी कि ये वाले शेप जो स्क्वायर शेप बोलते हैं ना, उसमें काट रही हूँ। अब ये पूरी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से काटना चाहें, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटना चाहते हैं लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लीजिए। तो चलिए, ये मैंने सारे काट लिए सब्जी और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ, और अब हम चिकन को ग्रिल कर लेते हैं। सबसे पहले अब फ्राई पैन या तवे के ऊपर 1 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए, जब मक्खन पिघल जाए तो ये जो चिकन रखी है हमने मैरिनेट करके, ये डाल दीजिए दोनों पीसेस को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे 2-3 मिनट तक मीडियम आंच कर दीजिए और उसमें फ्राई कर लीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और पीछे का और भी 2-3 मिनट तक फ्राई कीजिए। अब आपने इसी तरीके से 2-3 मिनट करते हुए उलट पलट करते जाएं, और थोड़ा सा ये जो मसाला बच गया था मैं बीच बीच में लगा देती हूँ, तो ये पूरी ये भी ख़त्म हो जाएगा हमारा मसाला, वेस्ट ना हो ना। तो अब ये जब उलट पलट करते हुए आप मीडियम आंच पर पका लें और पूरी तरीके से ग्रिल इफ़ेक्ट आ जाए, और आप देखें कि पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है मसाला और चिकन पक चुकी है, मतलब तकरीबन समझे ना, मुझे तकरीबन लगा 12-13 मिनट। अब ये चिकन के पीस के साइज़ के ऊपर डिपेंड होगा, अगर आपकी बहुत मोटी होगी तो 15-17 मिनट लगेगी, अगर मेरी तरह ये वाले साइजेस होंगे तो तकरीबन 12-13 मिनट के अंदर हो जाएगी, मतलब डिपेंड करता है वो साइज़ के ऊपर। तो अब आप चेक कैसे करेंगे कि चिकन गल चुकी है कि नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जो हमारी छुरी है ना, उसे इस तरीके से आप अंदर डालेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से चिकन चली जाएगी। या आप एक थोड़ा सा पीस काट कर देख लीजिए, अगर आपको लगे कि चिकन पूरी तरीके से गल चुकी है तो बस बंद कर दीजिए, और चिकन चाहे तो निकाल सकते हैं आप इसी फ्राई पैन के अंदर से, या फिर फ्राई पैन में ही रहने दें, मैं तो फ्राई पैन में ही रहने दे रही हूँ। मैंने सेपरेट फ्राई पैन लिया, उसके अंदर मैं थोड़ा सा मक्खन बटर यानी कि 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए, और ये जो हमारे फ्लोरेट्स हैं ये ब्रोकली के, ये डाल दीजिए। अब ये जो क्वांटिटी आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, मैं 1 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर फ्राई कर लेती हूँ। जब 1 मिनट हो जाए तो प्याज डाल दीजिए, और प्याज के साथ ब्रोकली को फिर से 1 मिनट के लिए फ्राई कीजिए, तो ब्रोकली 2 मिनट तक फ्राई हो जाएगी ना। जब प्याज भी डाल के 1 मिनट तक फ्राई हो जाए मीडियम आँच पर, तो यहाँ पर बाकी की सब्जियाँ डाल दीजिए। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार,
थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो आधा छोटा चाय का चम्मच डालें, आप चाहें तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच डालें। मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ इसे चलाकर। अब ये सब्जियों को भी 1-1.5 या 2 मिनट तक पका लीजिए मीडियम आंच पर। जब 1.5-2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और अब हम चिकन को पीसेस कर लेते हैं। अच्छा, आप ग्रिल चिकन तो साबुत पीस है तो इस तरीके से लंबे लंबे, ना ही पतले ना ही मोटे स्ट्रिप्स कर लीजिए। अब आप प्लेटिंग किस तरीके से कीजिएगा मालूम है? प्लेट के अंदर जो हमारी सब्जी हमने पका कर रखी है, आपने देखा कि हमने सॉटे भी इस तरीके से किया है कि एकदम पका नहीं ली है सब्जियों को, कच्ची पकी क्रंची टाइप रखी है, तो वो प्लेट पर रख दीजिए। उसके बाद ये जो हमारी ग्रिल चिकन पीसेस करके रखी है ये इस तरीके से बीच में प्लेस कर दीजिए और उसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया छिड़क दीजिए और ये बन गए हमारी ग्रिल चिकन मज़ेदार सी वेजीज के साथ सर्व होने के लिए रेडी है। अगर आपको इसी तरीके से डाइट की रेसिपीज़ और चाहिए, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स की, और चिकन बेस्ड डाइट रेसिपीज़ चाहिए और लो कैलोरीज लो फैट वाली चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की? अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छा लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। आंसर देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।